लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस बैठक में यूथ कांग्रेस और आईटी सेल के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नव निर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया और साथ ही आगामी 23 अप्रैल को कोटा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीनिवास के दौरे और रोड शो को लेकर भी चर्चा की गई। नागौर कांग्रेस लोकसभा चुनाव प्रभारी और राज्य मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मकराने में हुई इस प्रेस वार्ता में मेघवाल ने कहा कि राजस्थान का इतिहास रहा है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है अधिकांश उसी पार्टी के ही सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मिशन 25 को पूरा करेगी। वहीं राष्ट्रीय पावर पार्टी के प्रत्याशी के अपहरण के मामले को कांग्रेस के खिलाफ झूठा आरोप बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम माननीय पायलट साहब, दोनों लगातार पहले नामांकन की प्रक्रिया 25 लोकसभा क्षेत्र में वो गए, उन्होंने नामांकन भरवाया, रैलियां की, सभा की और उसके बाद में नामांकन रैलियों के बाद में लगातार किसी न किसी जगह अभी पायलट साहब पिछले कई दिनों से आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में गए हैं, तो पिछले दो दिन से माननीय अशोक जी गहलोत वो राजस्थान के दौरे पे हैं। उनके साथ दूसरे नेता जो लोकल नेता हैं, राजस्थान के हमारे मंत्री हैं, वो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं और हमारा मिशन 25